वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, टाटा ने कल परसों कोई एक ईवी कार का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। मतलब इस तरह की कार बहुत जल्द इंडिया की आपको मार्केट्स में मिलेगी। टाटा जिसका नाम दिया जा रहा है टाटा एवेनिया, ईवी कार है। लॉन्च की हाइलाइट्स हम देखेंगे, मतलब कैसी ये कार होने लगी। और काफी हमें जो सब्सक्राइबर ये सेंड कर रहे थे वो बोल रहे थे हद से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कार किस्म का ये मॉडल है। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से एक और भी कार वो कर्व थी, वो टाटा कर्व थी, लेकिन ये कह रहे हैं ये उससे भी दो हाथ आगे। तो देखते हैं यार कैसी इलेक्ट्रिक कार होने लगी है, बिना किसी देरी के देखते हैं। और टाटा एक से एक इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रहा है, बिना किसी देरी के देखते हैं। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अबे ये क्या है बे? अबे कार देखो भाई, कार देखो। लो भाई, टाटा मोटर्स की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। अभी टाटा कर्व को अनवील किया गया था और ये भी कह दिया गया था कि आने वाले 24 महीनों में इसको डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। अब टाटा मोटर्स ने अपनी एक और नई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठा दिया है, जिसको अवन्या नाम दिया गया है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इनोवेशन, जिसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में जो भी जानकारियां निकल करके सामने आई है, आइए इस वीडियो में हम आपको सब बता देते हैं। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टाटा की जो ये अवन्या है एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जनरेशन 3 है। इससे पहले जो कर्व आई थी वो जनरेशन 2 पर थी। यहाँ पर इसमें आपको काफी स्पेस मिलने वाला है। ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर बनी होने की वजह से इसमें आपको अच्छा खासा केबिन स्पेस देखने को मिल जाएगा। टाटा अवन्या की जो ऑल ओवर लेंथ है वो 4.3 मीटर है, जो कि ह्यूंडई क्रेटा की बराबर है। इसका व्हील बेस भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आपको इसके केबिन में काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा। जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी की जो रेंज है वो 500 से 550 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। और जो जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है बार बार, ये एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस पर अलग अलग साइज की कारों को भी लाया जाएगा, जो कि ज्यादा रेंज देंगी, दिखने में अच्छी होंगी, फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ आएंगी, जैसे ADAS फीचर्स भी मिल जाएगा और अलग कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। इसमें आपको कई और शेप की गाड़ियां भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। आने वाले 6 साल का प्लान तैयार है, जिसमें आपको अलग अलग शेप में, अलग अलग सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिल जाएंगी टाटा मोटर्स की तरफ से। फिलहाल 2 कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठ चुका है, जिसमें कि एक है जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कर्व और ये दूसरी जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पर आने वाली अवन्या, जो कि काफी बड़ी एसयूवी होने वाली है। अवन्या का जो ये ऑल ओवर डिजाइन है एक्सटीरियर का, इसको देख करके जल्द इसके सेगमेंट के बारे में पता लगा पाना या कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो इसके चौड़े स्पोर्टी स्टांस है, नीचे पतली रूफ लाइन है और एक तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है, इसको देख करके ये अर्बन एसयूवी कार जैसी लगती है, तो यहाँ पर आप इसको एसयूवी मानकर ही चलें। बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एलईडी लाइट स्ट्रिप दी हुई है, जो कि इसके नए लोगो से जुड़ती हुई आती है। तो यहाँ पर एलईडी का शेप दिया हुआ है, काफी स्लीक सा दिया हुआ है। उसके नीचे आपको ग्रिल दी हुई है, जहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिल जा रही है, जो कि कार के दूसरे सिरे तक फैली हुई है। इस लाइट स्ट्रिप के बीच में टी सिंबल दिखाई दे रहा है, जो कि टाटा का लोगो है, जिसको टी शेप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है। पीछे की जब जो टेल लाइट है उसको स्पॉइलर वाला फील दिया गया है, इससे ये ज्यादा एरोडायनामिक लग रही है। इसमें ड्राइवर सीट के लिए स्वाइवल फंक्शन भी दिया हुआ है। अवन्या कॉन्सेप्ट के इंटीरियर में जो चीजें सबसे ज्यादा नोटिस होने वाली हैं, वो है इसका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जिसे स्टीयरिंग व्हील पर ही पोजीशन किया हुआ है। और से देखने में पता चलता है कि इसमें ऊपर की तरफ एक स्लिम विंड स्क्रीन डिस्प्ले भी दी गई है। इसके अलावा ए प्लेयर पर लगे डिस्प्ले में रियर व्यू कैमरा आउटपुट मिल जाता है। अवन्या की सभी चारों सीटों में आपको हेडरेस्ट पर अलग अलग साउंड बार इंटीग्रेटेड दिया गया है। इसके केबिन में सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये और भी ज्यादा प्रीमियम फील देती है। अब ये साउंड बार जो इंटीग्रेटेड है, ये कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, ये तो बस यूज करने के बाद ही पता चलेगा। अब ये थोड़ा अलग लग रही है। जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको बेज और ब्राउन थीम दी गई है। केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देने के लिए इसमें एरोमेटिक डिस्पेंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपने इसकी एक्सटीरियर की कुछ पिक्चर्स देखी, जहाँ पर ये काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक के साथ आ रही है। साइड प्रोफाइल भी इसकी काफी वाइड है। इसके अलावा इसमें जो अलॉय व्हील्स अभी दिखाए जा रहे हैं, ये अभी तक के सबसे नए हैं। यहाँ पर कोई भी डोर हैंडल नहीं है, हो सकता है कोई सेंसर दिए हों जिससे डोर ऑटोमेटिक ओपन होते हों। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स मिल जाएंगे,
बात करें प्राइसेस की तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस गाड़ी के बारे में अभी सामने नहीं आई है, तो लेकिन अगर 90% तक की गाड़ी इस तरीके से रहती है और इतना लग्जरी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, तो आप अपना बजट 25 लाख रुपए से ऊपर का लेकर के चले इस गाड़ी को बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोना आती है या फिर ZSEV आती है तो ये भी 25 से 30 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में ही भारत में आती है। और अभी भारत में कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आने वाले समय में EVs में भी कंपटीशन बढ़ेगा, तब प्राइसेस हो सकता है थोड़े कम हो जाएं, लेकिन फिलहाल जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से इसका आप बजट सेगमेंट 25 लाख रुपए तक मान करके चलें। बहुत हैवी कॉन्सेप्ट यार। गाड़ी बनाई है यार टाटा ने, मैं कहता हूँ पूरी मार्केट हिला के रख दी है कारों की, और खासकर इलेक्ट्रिक कारों की। वो देखो ना, गोरा चला रहा था वो आराम से नींद में आया हुआ था, ऐसा लगता है स्पेस कितनी ज्यादा है, इंटीरियर कितना कमाल भाई, फ्रंट से लाइट कितनी प्यारी है, बैक पे भी वो टी बना हुआ है लाइट से, और फ्रंट पे भी टी बना हुआ है, मतलब वो टाटा का लोगो नहीं होगा, ये लाइट से टी लगा होगा यार। मैं कहता हूँ ये जिस तरह की बताई गई है ना, 80-85% भी अगर इस तरह की हुई ना, इलाके में पैसा जो है ना वसूल, पैसा वसूल हो जाएगा अंदर से। खुली है भाई ये गाड़ी यार, 500 किलोमीटर तक का मतलब देती है, 550 से 550 किलोमीटर की ये रेंज बताई जा रही है। और अगर ये यार 23 लाख में भी आती है ना, 25 लाख में भी आती है, तो पाकिस्तानी मतलब 60 लाख के करीब बनते हैं, और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इसके करीब करीब ऐसी प्यारी गाड़ी नहीं है, मतलब ऐसी इंडिया में ऐसी गाड़ी आए यार, जिस तरह की वो गाड़ी आती है करोड़ों में आती है, दूसरों की क्या कहते हैं इसको टेस्ला की करोड़ों में आती है, अगर ये आपको लाखों में मिल जाए, लाखों में और इस तरह की अच्छी गाड़ी हो, अपनी देश की गाड़ी हो, टेस्ला से मुझे 100 गुना में अच्छी लग रही थी। और यार क्या कमाल की भाई इसका लुक था यार, मैं लुक का दीवाना हो गया, इसके अलॉय रिम्स कितने प्यारे थे यार, और इसका जो डोर ओपन होता है बाकी वो क्या शायद और काफी बड़ी किस्म की थी, हाँ बड़ी है मतलब काफी मतलब बड़ी कार्रवाई। फिर अब ये आ गई, उसके बाद टाटा ने कहा था कि 8 से 9 गाड़ियां होंगी, मतलब आने वाले 5-6 सालों में 8 से 9 गाड़ियां टाटा लॉन्च कर रहा है। टाटा जो है ना अब फुल ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहा है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा। पता है क्यों टाटा इस तरफ गया, क्योंकि नेक्सॉन ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और दूसरी बात फ्यूचर जो है ना भाई हर कंट्री में लगभग ये चीज पता लग गई। गाइस आप बताओ आपको ये मॉडल कैसा लगा यार, हमें तो बहुत कमाल लगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।